आज हम टाटा सिग्ना BS6 5523 की टेम्पलेट कॉपिंग करेंगे विद जाल्टस V9। ये एक हमारे पास टाटा सिग्ना की BS6 गाड़ी आई है जिसमें माइलेज की इश्यू है, तो अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे वाया टेम्पलेट कॉपिंग। तो उसके लिए हमें ये एक सेकेंड गाड़ी या फिर नई गाड़ी आप देख पा रहे हो इसकी जो टेम्पलेट फाइल है हम कॉपी करेंगे, क्योंकि इसकी माइलेज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें जाल्टस स्कैनर इस सेकेंड वाली व्हीकल में कनेक्ट करना है और इसकी जो टेम्पलेट फाइल है इसको कॉपी करना है। पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं व्हीकल को स्कैनर से। कनेक्ट करने के बाद आप ऊपर जो विन नंबर डिस्प्ले होता है आप देख पा रहे हो, ये जो सेकंड गाड़ी है और या फिर जो गाड़ी की माइलेज वगैरह सब कुछ सेटिंग सही है उसकी ये विन नंबर है। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई कोड नहीं है, तो इसके बाद हम चलेंगे पैरामीटर्स वाले ऑप्शन पे, इश्यू मेमोरी का ऑप्शन, और इसकी जो टेम्पलेट फाइल है कॉपी करेंगे कॉपी टू जाल्टस वाले ऑप्शन से। प्रोसीड करेंगे, इनिशियल कंडीशन आपको देखना है फिर प्रोसीड करना है। फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना है जब तक फाइल कॉपी ना हो जाए। कॉपी होने के बाद आपको एक सिलेक्टेड फोल्डर में फाइल को सेव करनी है, तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर में सेव कर सकते हो इस तरीके से। सेव करने के बाद हम वापस जो फर्स्ट वाली गाड़ी थी, ये जो गाड़ी जिस माइलेज वाली इश्यू थी, स्कैनर कनेक्ट करेंगे और फिर जो फाइल हमने उस गाड़ी से कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम इस गाड़ी में कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। कनेक्ट होने के बाद आप ऊपर देख पा रहे हैं कि इस गाड़ी की विन नंबर डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले डायग्नोसिस पे देख लेते हैं कि कोई कोड है कि नहीं। यहाँ देख पा रहे कोई कोड नहीं है, तो वापस पैरामीटर्स पे चलेंगे, इश्यू मेमोरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू इश्यू, जिससे हम इस गाड़ी में उस गाड़ी की जो टेम्पलेट फाइल है पेस्ट करेंगे। तो प्रोसीड करेंगे हम आगे, इनिशियल कंडीशन आपको देखना है फिर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो फोल्डर पे आपने फाइल सेव की थी फाइल को आप सिलेक्ट करके इस गाड़ी में पेस्ट कर देना है। कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है जब तक ये जो टेम्पलेट फाइल है इस गाड़ी में पेस्ट ना हो जाए। टेम्पलेट कॉपिंग के द्वारा आपको ये देखना है कि सारे पैरामीटर्स, मॉडल्स और उसकी जो रेडिएटर फैन है सब कुछ मैच होना चाहिए दोनों गाड़ियों में, तो ही आप टेम्पलेट कॉपी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब कॉपी कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमें इग्निशन ऑफ करके ऑन वापस ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार जब टेम्पलेट कॉपिंग आपका फिनिश हो जाता है उसके बाद वापस एक बार देखना है कि कोई कोड वगैरह एक्टिव हुआ है कि नहीं, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई कोड नहीं है। और जब हमने ये टेम्पलेट कॉपिंग किया तो और गाड़ी की ट्रायल ली, तो हमें पता चला कि जो माइलेज की इशू थी इस गाड़ी में रिजॉल्व हो चुकी थी।